तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का जो गडलग होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है की कैफ है, जो कि काम करता है आपके कीबोर्ड को कस्टमाइज करने का। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के साथ कमाल के नए फीचर वहां पर एड ऑन किए गए हैं। क्या नए फीचर एड ऑन किए गए आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, तरह सैमसंग की जो ऐप होती है की कैफे, उसके अंदर एक नया अपडेट आया। उसके लिए आपको करना क्या है, अनजाना आपको अपने मोबाइल की गुडलक ऐप में, गुडलक की ऐप में जाने के बाद आपको मेकअप के सेक्शन में मिल जाएगा की कैफे में एक नया अपडेट। जैसे आप उस अपडेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको ले जाएगा आपके मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे देखेंगे इस अपडेट का वर्जन नंबर है 1.0.67 और नीचे की तरफ देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 23 दिसंबर, मतलब कल के दिन इसको रोल आउट किया गया, जो कि लगभग 70 MB का ये अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे नए फीचर एड ऑन किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे नए फीचर एड ऑन किए गए हैं, स्टाइल योर ऑन कीबोर्ड और यहाँ पर मेक योर ऑन कीबोर्ड। तो यहाँ पर दो नए सेक्शन दिए गए हैं, इन दोनों नए सेक्शन में कुछ नया अपडेट किया गया। तो इसको पहले कर लेते हैं अपडेट। अपडेट क्या बताता हूँ, क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं, तो इसको होने देते हैं अपडेट। चलिए दोस्तों, ये हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना। यहां पर सबसे पहला जो फीचर दिया गया है, आप देखेंगे स्टाइल योर ऑन कीबोर्ड बाय कलर। कलर में आपको टू क्रिसमस थीम एडेड की गई है। तो कहां मिलेगी इसको पहले तो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपको यहां पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको करना क्या है, यहां जाना है आपको स्टाइल योर ऑन कीवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको नीचे दो नए कीवर्ड दिख रहे होंगे, जो कि आपको दिख रहे होंगे यहां पर ग्रीन और रेड कलर में है और एक है येलो और रेड कलर में। आप देखेंगे ये बिल्कुल आपको क्रिसमस थीम के हिसाब से दिया गया, तो आपको इसको एडिट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दो नए यहाँ पर जो थीम एड ऑन की गई है वो यही है। यहाँ पर आप चाहें तो उसको इंस्टॉल करके आप चेक भी कर सकते हैं, जिसमें से मैंने एक को अभी इंस्टॉल कर ही लिया है और आप देखेंगे तो ये आपको दिख भी जाएगा कि कैसे ये दिखती है। ये आप देखेंगे ऐसे आपको दिख रही होगी, जो कि क्रिसमस के हिसाब के यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड जो नया चेंजेस दिए गए, इफेक्ट के अंदर आपको की कलर इफेक्ट दे दिया गया है, जिसमें आप फूड प्रिंट इफेक्ट डाल सकते हैं और चाहो तो कोई भी अपना स्टिकर या गैलरी की इमेज भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस मैंने उसको ओपन ही कर लिया है गलती से। वापस आपको स्टाइल या ऑन कीबोर्ड में जाना है, इफेक्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो करना क्या है, इफेक्ट में जाके नीचे की तरफ आएंगे, की मोशन इफेक्ट्स में आपको मिलेगा सबसे की, आपको यहाँ जाना है की कलर इफेक्ट में। सबसे पहले ही मिलेगा आपको ये ऑप्शन, आप देख रहे होंगे ये फिंगरप्रिंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये आ चुका है और आप चाहें तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको एड ऑन भी कर सकते हैं। चेंज करना चाहें क्या आपको चाहिए, आपको यहाँ पर ये डाल सकते हैं। और अगर आपको कुछ और करना है तो यहाँ पर स्टिकर क्लिक करके स्टिकर्स में भी एड ऑन कर सकते हैं, या अपनी गैलरी से भी कुछ फुटप्रिंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो सेकंड चेंजेस वो ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट चेंजेस यहाँ पर दिया गया है, कीबोर्ड कलर इफेक्ट के अंदर दिया गया है पेंट गन एंड फायर इफेक्ट एडिट किए गए। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, वापस मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसी के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा कीबोर्ड कलर इफेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है पेंट वाला जो इफेक्ट दिया गया है, आप देखेंगे ये पेंट वाला इफेक्ट यहाँ पर दे दिया गया है आपको, और साथ में यहाँ पर आपको एक और इफेक्ट दे दिया गया है ये वाला। तो दो नए इफेक्ट्स यहाँ पर एड ऑन किए गए, सेकंड थर्ड चेंजेस ये हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ चेंजेस क्या किया गया है, यहाँ पर की मोशन इफेक्ट के अंदर टिल्ट बाउंस इफेक्ट एडिट किए गए। मोशन के अंदर आपको दो नए इफेक्ट एड ऑन किए गए। अब मैं वापस आपको ले जा रहा हूँ मोशन में, इसी के नीचे आएंगे तो मोशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहला इफेक्ट ये वाला, जो कि यहाँ पर नया एड ऑन किया गया है। बगल में आपको एक और दिखेगा, ये दो नए इफेक्ट यहाँ पर एड ऑन किए गए। यहाँ पर जो लास्ट फीचर दिया गया है दोस्तों, उसके लिए वापस आपको वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा गया है मेक योर ऑन कीबोर्ड के अंदर आपको डिलीट की एडिट कर दी गई। तो मेक योर ऑन कीबोर्ड के अंदर डिलीट वाला की एडिट कर दिया गया है, वो कहाँ मिलेगा आपको, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है सबसे ऊपर वाले मेक योर ऑन कीबोर्ड में, यहाँ पर जाना है आपको एडिट पे। जैसे आप एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा ये, यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट की वाला ऑप्शन, आप देख रहे होंगे। आपको उस पर क्लिक करके उसको एड ऑन कर लेना है। जहाँ भी आप उसको एड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं और डिलीट की वाला फीचर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप डिलीट की वाला फीचर को एड ऑन कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो यही नए फीचर थे जो कि सैमसंग की नोट्स सैमसंग की कैफे में एड ऑन किए गए, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू।
बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है सो वीडियो कुछ कमी जरूर डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ कमेंट करके बताना चाहते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। या आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं, या फिर आप मुझे कोई फीचर बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम और या फेसबुक पे डीएम करके बता सकते हैं। अगर आप मुझे कोई फीचर बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो फीचर भी बताऊंगा, और आपका नाम भी बताऊंगा कि मुझे एक फीचर किसने बताया। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ यार फॉलो कर लेना। और बाकी सबसे जरूरी यार, अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन में लाइक को भी दबा लिया करो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।